ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ आवर स्कूल। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, सेकेंड अभी हमारा फूड एंड हेल्थ। फूड यानी भोजन, हेल्थ यानी स्वास्थ्य। तो फूड भी हमें किससे प्राप्त होता है? वी गेट फूड फ्रॉम बोथ, यानी दोनों से, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट से भी हमें फूड प्राप्त होता है एंड एनिमल से भी, यानी कि जानवरों से और पौधों से हमें फूड प्राप्त होता है। एक्टिविटी टाइम है तो आपको ये पिक्चर शो हो रही होगी। चैप्टर स्टार्ट होते ही लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट पी फॉर फूड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आपको पी लिखना है किसके लिए? जो फूड प्लांट से प्राप्त हो रहे हैं, एंड ए फॉर फूड्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और ए किसको शो कर रहा है? जो एनिमल से प्राप्त होते हैं फूड उनको। तो फर्स्ट में शो हो रहा है इस साइड ब्रेड। ब्रेड किससे प्राप्त होता है? प्लांट से, तो यहाँ पे पी। बटर एनिमल से, तो ए। फ्रूट्स प्लांट से, तो पी। मिल्क एनिमल्स, तो ए। एग्स एनिमल्स, ए। जूस प्लांट, पी। ओके, ये आपको मेंशन करना। नेक्स्ट है फिर हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी फूड के कंपोनेंट्स। फूड कंटेंट सर्टेन सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड्स क्या करता है? सर्टेन सब्सटेंस कंटेन करता है, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या मिलती है? हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। वह हमें प्रोटेक्ट किससे करवाते हैं? डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, एंड हेल्प इन इट्स ग्रोथ, और ग्रोथ में हेल्प करते हैं, एंड डेवलपमेंट एंड विकास। ओके, कौन करते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं? पोषक तत्व। देयर आर फाइव मेन न्यूट्रिएंट्स इन द फूड। फूड में कितने? मेनली फाइव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड फैट, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ विटामिन एंड मिनरल्स, और फाइव वाटर एंड रेसेस। ओके, आवर बॉडी नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट। हमारी बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, इसकी मात्रा एक सही मात्रा, राइट अमाउंट। ओके, तो फर्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। और इसके सोर्स कौन कौन से हैं? वीट है, गेहूं, राइस, चावल, कॉर्न, ब्रेड, पोटेटो, शुगर, आर सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सोर्स है जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ओके, की पिक्चर्स ये शो हो रही है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये कॉर्न की पिक्चर हो रही है, पोटेटो की हो रही है, राइस की हो रही है, वीट गेहूं की हो रही है, एंड शुगर की भी हो रही है आपको पिक्चर शो। ओके, नेक्स्ट है फिर हमारा फैट। फैट यानी होता है वसा। फैट क्या कहता है? फैट गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें ज्यादा एनर्जी देता है। कौन देता है? फैट। और इसके सोर्स कौन से हो जाएंगे? मिल्क, ऑयल, घी, बटर, चीज एंड ड्राई फ्रूट आर सम सोर्स ऑफ फैट। मिल्क, ऑयल, घी, बटर, चीज एंड ड्राई फ्रूट्स, ये क्या हो जाएंगे? सोर्स हो जाएंगे। एक्सेसिव इंटेक ऑफ फैटी फूड्स कैन कॉज ऑब्सिटी। इनकी अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए हमें फैट्स का। ओके, प्रोटीन। नेक्स्ट है फिर हमारा प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ। प्रोटीन किस में हेल्प करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है, यानी कि विकास में। दे ऑल्सो हेल्प इन रिपेयरिंग डैमेज टिश्यू। वे और भी किस में हेल्प करते हैं? डैमेज टिश्यू यानी कि घायल ऊतक, उनको रिपेयर करने में, एंड सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की कोशिकाओं को उनको रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। कौन करते हैं? प्रोटीन। इनके सोर्स कौन से हो जाएंगे? मिल्क, पनीर, एग, मीट, बीन्स, पल्स आर सम सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट है फिर हमारा विटामिन एंड मिनरल। विटामिन एंड मिनरल हेल्प इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग यानी कि सामान्य प्रक्रिया चलाने के लिए विटामिन एंड मिनरल्स की आवश्यकता होती है। दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। ये हमारी बॉडी को किसमें हेल्प करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, डिजीज से प्रोटेक्ट करने में। इसके सोर्स कौन से हो जाएंगे? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। फ्रूट, वेजिटेबल एंड मिल्क, ये क्या हो जाएंगे? सोर्स हो जाएंगे। विटामिन सी हेल्प टू कीप द गम
हेल्थी। विटामिन सी किसमें हेल्प करता है? गम्स को हेल्थी रहने में। कैल्शियम मेक्स और बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम से हमारी क्या है? बोन्स यानी हड्डियां, और टीथ क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनता है। ओके, तो ये सोर्स ऑफ फैट में तो आपको पिक्चर शो हो रही है, मिल्क की भी हो रही है, घी की भी हो रही है, बटर की हो रही है, ऑयल की हो रही है, और ये ड्राई फ्रूट्स। फिर आगे सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में ये आपको बीन्स की शो हो रही है, पल्स दाल दिख रही है आपको, मीट दिख रहा है, एग दिख रहे हैं, मिल्क दिख रहा है, ओके, एंड ये पनीर। फिर हमारे आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, तो सोर्स ऑफ ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको शो हो रहे हैं, एंड मिल्क, ये हो जाएंगे विटामिन के सोर्स। नेक्स्ट है फिर वाटर एंड रस। बिसाइड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के अलावा और बॉडी आल्सो नीड वाटर एंड रस। हमारी बॉडी को किसकी आवश्यकता होती है? पानी और रस। रस इज द अनडाइजेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट फूड। रस क्या है? अनडाइजेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट फूड। प्लांट फूड का अनडाइजेस्ट पार्ट है अपचा बाद। इट हेल्प इन गेटिंग राइड ऑफ वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी। ये हेल्प किसमें करता है? हमारी बॉडी को राइड ऑफ वेस्टेज, वेस्टेज को बाहर निकालना। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर सोर्स ऑफ रसेज। रसेज के सोर्स कौन से हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वाटर आल्सो हेल्प टू गेट राइड ऑफ वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। वाटर किसमें हेल्प करता है? राइड ऑफ वेस्टेज फॉर्म टू आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ यूरिन, यानी कि वेस्टेज को यूरिन में चेंज करने में। ये कौन हेल्प करता है? वाटर। ये हो जाएंगे आज के मेनली पॉइंट्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड। एक बार रिपीट करता हूँ, फूड्स किससे प्राप्त होता है? प्लांट एंड एनिमल्स, बहुत दोनों से, पौधों से और जानवर से। फिर कंपोनेंट ऑफ फूड हो जाएंगे, फूड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, वाटर एंड रसेज। कार्बोहाइड्रेट से क्या हमें एनर्जी मिलती है, और सोर्स हो जाएंगे व्हीट, राइस, शुगर। नेक्स्ट में हमारा फैट, फैट से हमें क्या है? मोर एनर्जी मिलती है। किससे? कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा। कौन एनर्जी देता है? फैट। इसके सोर्स हो जाएंगे मिल्क, ऑयल, घी, बटर, चीज। फिर आता है नेक्स्ट हमारा प्रोटीन। प्रोटीन किस में हेल्प करता है हमारी बॉडी में? ग्रोथ करने में। इसके सोर्स हो जाएंगे मिल्क, पनीर, एग, मीट, पल्स, ओके। फिर नेक्स्ट होगा विटामिन एंड मिनरल्स। ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किससे? डिजीज से। इसके सोर्स हो जाएंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क। फिर नेक्स्ट है हमारा वाटर एंड रसेज। वाटर एंड रसेज के सोर्स हो जाएंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओके। इसको आपको रीड एंड रिमेम्बर करना है, नोट करना है, तो रफ रफ ट्रीटमेंट, ओके, बाय, थैंक्स।